हेलो एवरीवन, आज हम आए हैं रेल म्यूज़ियम में जो कि चाणक्यपुरी में है। और अगर आप यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं तो अपना ओन व्हीकल नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है। आसपास आपके काफ़ी सारे मेट्रो स्टेशन हैं तो आप काफ़ी इजीली यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो अगर कुछ प्लान कर रहे हैं तो इस विंटर्स के टाइम पे काफ़ी अच्छा टाइम है कि आप इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर। एंड प्राइजेस की बात करूँ यहाँ के टिकट की तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, कुछ 50 रुपीज़ ईच पर्सन पड़ता है वीक डेज़ पे। एंड अगर आप वीकेंड पे जाते हैं तो कुछ 100 रुपीज़ करीब ईच पर्सन। एंड बिलो आप जाते हैं 10 ईयर्स तो कुछ 10 रुपीज़ समथिंग लगता है। तो बेसिकली हमें मिष्टी के लिए कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ा था। और अगर मैं टॉय ट्रेन की बात करूँ तो 20 रुपीज़ करीब आपका पड़ा था पर पर्सन। तो हम लोगों ने काफ़ी अच्छा इन्जॉय किया, काफ़ी टाइम तक हम लोग थे, ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर्स हम लोगों ने यहाँ पे स्पेंड किया था। अच्छा खासा एक छोटा सा म्यूज़ियम है, आप डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के आप ट्रेन्स देख सकते हैं। बेसिकली इंडिया में ऑलमोस्ट जितनी भी ट्रेन स्टार्टिंग से लेकर अभी तक बनी है वो इस ऑडिटोरियम में आपको शो हो जाती है। एंड अगर मैं बात करूँ मिष्टी की तो मिष्टी को काफ़ी इन्जॉय किया था उन सब छोटी छोटी ट्रेन्स को देख के, काफ़ी हैप्पी हो रही थी। ये रेल म्यूज़ियम 1977 में स्टार्ट हुआ था और फर्स्टली इसका जितना मुझे पता है नाम फर्स्ट ऑल रेल म्यूज़ियम ही था, बाद में इसको भारतीय रेल म्यूज़ियम के नाम से किया गया था 1995 में आई थिंक, जितना मुझे नोन है। एंड कहते हैं यहाँ पे आपको बाहर से टॉय ट्रेन भी है और एक मिनिएचर ट्रेन भी है जो कि अनफॉर्चुनेटली इस टाइम पे बंद थी तो हम लोगों ने उसका राइड नहीं ले पाए थे। तो जब हम लोगों ने टॉय ट्रेन में बैठे थे तो हम लोग एक साथ ना बैठ के लाइक मैं, मेरे हस्बैंड और मिष्टी हम गए थे। तो हम लोगों का यही था डिसीज़न कि पहले हम लोग फर्स्टली मैं एक राइड लेके आऊँ मिष्टी के साथ में एंड उसके बाद मेरे हस्बैंड और वो गए थे। तो उसको हम एक्चुअल में 2 टाइम में राइड लेना चाहते थे। तो चलिए आप भी हमारे साथ एक छोटा सा राइड लेने और इंजॉय करिए हमारे साथ रेल म्यूजियम को। मिष्टी को थोड़ी भूख भी लग गई थी एंड ऑलमोस्ट लंच टाइम भी हो गया था। तो कैंटीन था बट काफ़ी छोटा कैंटीन था, तो अगर आप कुछ प्लान करते हैं कैंटीन में से कुछ खाने का तो बेटर है कि आप घर से ही खा के जाइए। तो हमने उस टाइम पे कुछ सैंडविच वगैरह लिया था एंड साथ में कुछ मिल्क शेक ले लिया था। सो इन शॉर्ट अगर आप कुछ प्लान करते हैं खाने का तो बेटर तो यही है कि आप घर से खा के ही चलिए, और अगर नहीं भी खा के जाते हैं तो बेटर है कुछ आप बाहर से लेके जाइए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ अच्छा लगा है तो अब मिष्टी भी आप लोगों के साथ में कह रही है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं